Hello everyone. I am Swati Johan and I cracked my CSIR NET exam with all India rank 57. Today in this session, I am going to discuss what are the mistakes that should be avoided and that would help you to crack CSIR NET exam in very first attempt. Okay. So on moving forward, BYJU'S Exam Prep launched a new series that is Learn with Toppers. Yahapa Toppers will share

आप बाइजूज एग्जाम प्रेप ऐप को गूगल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं वहां पर आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल है डेली क्विजेस और मॉक मिलेंगे जिसे आप कर सकते हैं एंड वहां पर स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गो ऑन गूगल प्ले स्टोर और वहां से आप अपना बाइजूज एग्जाम प्रेप का ऐप डाउनलोड कीजिए ओके दिस इज माय सेशन प्लान यहाँ पर अब तक मैंने डिस्कस की है अपनी बेसिक स्ट्रेटेजी कि मैंने अपना सी एस आई आर नेट एग्जाम कैसे क्लियर करा और प्रिपरेशन करने का राइट right टाइम क्या है कि हम हमें बाद में बर्डन भी फील ना हो और ना प्रेशर फील हो हम इजिली क्रैक कर सकें और उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो तो एग्जाम में मस्ट ही है अगर आप उन्हें कर लें आप अपनी इफेक्टिव प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस सम मिस्टेक्स दैट शुड बी अवॉइडेड ओके एंड फर्दर वी विल डिस्कस सिक्स मंथ स्ट्रैटेजी अगर कोई लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर कर रहा है तो उसे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए ओके okay, फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा सी नेट का सिलेबस क्या होता है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा सी नेट बेसिकली तीन पार्ट में कैटेगराइज है वन इज आवर पार्ट ए जो हमारा क्या होता है जिसमें हमारे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं ठीक है विच इज कॉमन फॉर ऑल स्ट्रीम्स सेकेंड है हमारा पार्ट बी जो हमारा कंटेंट रिलेटेड होता है और जिसमें बेसिकली थोड़ा इजी क्वेश्चन आते हैं डिफिकल्ट नहीं आते हैं और लेस कंज्यूमिंग लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं एंड थर्ड इज आवर पारसी ये भी हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड ही होता है बट इसमें है थोड़े क्वेश्चन हमारे मीडियम टू हाईअर लेवल तक के होते हैं थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ठीक है उसके बाद हम चेक करते हैं एग्जाम पैटर्न ओके प्रिपरेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम कैसे क्या आ रहा है कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो अभी बताया था तीन पार्ट में कैटेगराइज है फर्स्ट पार्ट जो जनरल एप्टीट्यूड होगा इट कंसिस्ट ऑफ आवर टोटल ट्वेंटी क्वेश्चंस और इसमें से आपको सिर्फ कितने करने हैं फिफ्टीन ठीक है 15, एक करेक्ट आंसर के आपको टू मार्क्स मिलेंगे एंड फॉर वन रॉन्ग आंसर 0.5 ने 0.5 जीरो पॉइंट फाइव मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है पार्ट बी में चेक करें तो पार्ट बी में यहाँ पे आपको फोर्टी क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन यहाँ पे आपको कितने करने हैं सिर्फ थर्टी फाइव ठीक है 35, तो पांच क्वेश्चन और करेक्ट आंसर के लिए टू मार्क्स मिलेंगे एंड रोंग आंसर के लिए आपके जीरो पॉइंट फाइव मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे उसके बाद अगर हम पार्ट सी पर उसके बाद हम पार्ट सी पर मूव करते हैं यहाँ पर आपको टोटल सिक्सटी क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन यहाँ पर आपको सोल सिर्फ कितने करने हैं ट्वेंटी फाइव तो आपको कितने क्वेश्चन की चॉइस मिल रही है थर्टी फाइव तो बेटर होगा आप ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करें जिनकी वेटेज ज्यादा हो और हम इजिली उनको अटेम्प्ट कर पाए तो क्या है यहाँ पे हमें थर्टी फाइव क्वेश्चन की चॉइसेस भी है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे आपको फोर मार्क्स एंड फॉर ईच नेगेटिव आंसर आपका वन मार्क्स डिडक्ट होगा तो यहाँ पे हमारा सी एस आई एग्जाम में टोटल वन ट्वेंटी क्वेश्चन लेकिन क्वेश्चन आते हैं और टोटल मार्क्स हमारा कितना होता है टू हंड्रेड होता है इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि बेसिकली हमारा कुछ लास्ट रिसेंट इयर्स में ट्रेंड क्या रहा है सीएसआईआर का तो यहाँ पर अगर हम 2021 की बात करें तो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट वन लैख सिक्सटी थाउजेंड लोगों ने यहाँ पर क्या किया है हमारा अपियर हुए हैं एग्जाम के लिए ठीक है अब देख के डर मत जाना कि मैम इतने लोगों ने अपियर हुए एग्जाम में हम कैसे होंगे या नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा उसके बाद चेक करें तो जे के लिए अराउंड वन लैख ट्वेंटी स्टूडेंट्स ने या कैंडिडेट्स ने अप्लाई अप्लाई कि, किया है एंड टोटल फोर्टी थाउजेंड लोगों ने हमारा एल के लिए अप्लाई किया है अगर उसमें से देखें तो सिर्फ फोर टू फाइव परसेंट ही कैंडिडेट्स होंगे जो टोटल क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है ठीके? और उसमें से भी टू टू थ्री परसेंट हमारे क्या है जे के हैं बाकी रेस्ट जो बचे हुए हैं वो हमारे क्या है एल एस के एल के लिए क्वालिफाई हुए हैं और वही अगर हम 2019 का देखें तो यहां पर क्या है जिस्टर तो कितनों ने किया है टू टू सिक्सटी और अपीयर कितने हुए थे हमारे वन लैख सेवेंटी वन थाउजेंड एंड आउट ऑफ विच लेक्चरशिप के लिए अप्लाई क्वालिफाई हुए हैं हमारे फोर थाउजेंड अराउंड फोर थाउजेंड एंड जी आर एफ के लिए क्वालिफाई हुए हैं अराउंड हमारे टू थाउजेंड ठीक है ओके okay, इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा हमारा कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहता है क्योंकि हमें बेसिकली एक अपनी लिमिट भी सेट करनी पड़ेगी कि हमें इतने मार्क्स तो मिनिमम स्कोर करने हैं ताकि हम अपना इजिली सी एस आई आर क्वालिफाई कर सकें क्योंकि हम प्रिपरेशन भी ऑब्वियसली उस हिसाब से करेंगे ठीक है ना तो अगर हम जून के कट ऑफ देखें तो ये हमारी परसेंटाइल में है बेसिक ठीक है तो यहाँ पर जेआरएफ की कट ऑफ ज्यादा जाती है ये तो आप सब लोगों को पता है तो कितनी गई है हमारी नाइनटी सेवन एट पॉइंट सेवन एंड इफ वी सी लेक्चरशिप की तो यहाँ पर कितनी गई है हमारी नाइन्टी सेवन सिमिलरली ईडब्ल्यू की जे के लिए गई है नाइनटी सिक्स परसेंटाइल एंड लेक्चरशिप के लिए गई है हमारी 93.8 परसेंटाइल और यहाँ पर सिमिलरली ओबीसी की भी उसी हिसाब से एस एंड एस की और 2020 का कट ऑफ देखे तो जे का गया है हमारा 98.9 परसेंटाइल और लेक्चरशिप के लिए गया है 97.18 परसेंटाइल ईडब्ल्यू का भी एस है ओबीसी का एस का एंड एस का और यहाँ पर अगर हम लास्ट टू की बात करें हमारी में थी, कि जैसे 200 तो इन्होंने क्या कहा है कट हमारी कितनी गई है अराउंड तो हम हमारा वन जीरो फाइव से वन वन टेन तक मार्क्स की हमारी कट ऑफ गई होगी ठीक है और लेक्चरशिप की हमारी फोर्टी सेवन परसेंट है तो हम कह सकते हैं हमारा अराउंड नाइनटी से 95 तक जो भी 90 से 95 फाइव मार्क्स जितने भी स्कोर किए होंगे उनके लेक्चर वो लेक्चरशिप के लिए क्वालीफाई हुए होंगे ठीक है ऐसी ही एस की दे रखी है एस सी ओबीसी एस एंड एस की और 2018 का देखें तो जे के लिए यहाँ पे ज्यादा गई थी ठीक है ना तो यहाँ पे हाँ आई थिंक अराउंड जितना मुझे याद है 1118 मार्क्स के करीब हमारी जे की गई थी क्योंकि वही है ना पेपर भी इजी आया था तो कट ऑफ ज्यादा चली गई और अगर हमारा पेपर डिफिकल्ट आता है तो कट ऑफ हमारी कम हो जाती है तो ठीक है तो दोनों फैक्टर्स काम करते हैं एक फैक्टर काम नहीं करते हैं अच्छा अब हमारा बेसिकली सेशन किस चीज के ऊपर है ये कि हमें ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए और जिससे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना सी एस आई आर क्वालिफाई कर सकते हैं ठीक है तो सी एस आई आर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना कोई इतना डन मतलब इतनी बड़ी बात भी नहीं है बस वो है हमें अपने माइंड को काम रखना है और अच्छे से सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है तो उससे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लेंगे अब हम बात करते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में फर्स्ट एक अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं किसी चीज की तो हमें पता होना चाहिए कि उसको करने में एटलीस्ट हमें कितना टाइम लगेगा ठीक है ना अब ऐसा तो है नहीं अब का इतना बस है, आप लोगों को पता है तो 4 5 तो मिनिमम टू मंथ्स हमें चाहिए होते हैं अब ऐसा भी नहीं है ना कि हम लास्ट वन मंथ में प्रिपरेशन कर ले पूरी ठीक है ना वो तो इफेक्टिव प्रिपरेशन हो ही नहीं पाएगी और जब मार्क्स कम आएंगे तो हम थोड़ी डिमोटिवेट हो जाएंगे तो हमें लगेगा नहीं ये तो एग्जाम ही डिफिकल्ट है ठीक है थीके? तो ऐसा कुछ नहीं है हमें राइट टाइम पता होना चाहिए ठीक है तो अराउंड हाँ जी सर मेरी चल रही है रिकॉर्डिंग ठीक हाँ। है तो जब हमें पता है हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो हम फोर टू माइंथ फोर टू फाइव मंथ्स पहले प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे ठीक है उससे क्या होगा हमने पूरे अच्छे से प्लान करी है ठीक है हम हर टॉपिक को सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम देंगे ठीक है तो वो एक तरीके से हमारी इफेक्टिव प्रिपरेशन होगी ठीक है प्रिपरेशन इफेक्टिव होगी तो हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हमने जो प्रिपरेशन करी है वो इनफ है और हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे मूविंग फॉरवर्ड ज्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं ओब्वियसली मैं स्टूडेंट थी तो मैंने भी ये गलती करी थी बट मैंने भी अपनी इस गलती से सीखा एंड नाउ आई एम शेयरिंग दिस विद ऑल ऑफ यू ठीक है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं हमें लगता है ये तो आ चुके अब दोबारा थोड़ा पूछेंगे सी ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है वो भी कहां से लेंगे ना तो वही है वो आगे पीछे करते रहते हैं वैल्यूज चेंज करते रहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि सी एस ए किन किन क्वेश्चंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है ठीक है ना कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं कौन से क्वेश्चंस Repeat, कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं तो बेटर होगा साथ साथ रिवीजन के साथ साथ हम क्या करें अपने पीवाईक्यू क्वेश्चंस क्यू क्वेश्चन भी सोल्व करते रहे ठीक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसके बाद हम अपने लिए कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं वो चाहे कुछ भी हो सकते हैं ठीक है ना कई बार हमें लगता है हमें तो आता है हमें कुछ नहीं है हम लास्ट मंथ भी करेंगे तो हमारा हो जाएगा ऐसा नहीं है कंसिस्टेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंट <coughs> होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है थ्रू प्रिपरेशन ठीक है और कई बार हमें लगता है कि टॉपिक तो क्या है हमारा बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है तो हमसे नहीं होगा हम छोड़ देते हैं क्योंकि सबको पता है चॉइसेस तो काफी आती है हम दूसरा टॉपिक कर लेंगे पर ऐसा भी नहीं है जब टॉपिक की वेटेज ज्यादा है ठीक है ना वेटेज अगर उसके हमारी ज्यादा है जैसे क्वांटम बच्चे छोड़ देते हैं कि नहीं डिफिकल्ट है पर ऐसा नहीं है एटलीस्ट एक बार ट्राई करो ठीक है ना हम क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर सकते हैं उनके और अगर हमने एक बार वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया ठीक है ना तो मैं खुद कह रही हूँ कि आप लोग इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे और उसके बाद कहोगे तो बहुत ईजी था पता नहीं हम पहले क्यों छोड़ते थे इस टॉपिक को ठीक है उसके बाद बात आती है कॉन्फिडेंस की ठीक है जब लोग जब आप सब एग्जाम देने जाते हैं तो सिर्फ हमारी वहां पर नॉलेज चेक नहीं होती है वहां पे हमारा प्रेशर हम अपना टाइम मैनेज कैसे कर रहे हैं तो ये सब चेक होता है ठीक है ना तो हमें अपने प्रिपरेशन के ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है वो इनफ है और कई बार हम क्या करते हैं सेंटर पर जाते हैं तो ऑब्वियसली तो हम सब लोगों की आदत होती है कि लास्ट मोमेंट तक हमें अपने नोट्स देखने हैं कहीं के अब इसमें से आ जाए तो अगर सामने वाला कैंडिडेट कुछ और भी पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है नहीं मैं तो भूल गया सब कुछ मुझे तो ये भी नहीं आता मैंने तो ये भी नहीं करा तो हमें ऐसा नहीं करना है हमें कॉन्फिडेंट रहना है और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है उसके बाद देखें तो क्या होता है दो फेज होते हैं एक तो हमारा स्टार्टिंग फेज होता है जब हम कोई भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं एक आ जाता है हमारा एंड वाला फेज जब हमारा एग्जाम होने वाला होता है तो स्टार्टिंग में तो हम सोचते हैं हमारे पास अभी काफी टाइम है तो हमें पहले थ्योरी पढ़ लेनी चाहिए क्वेश्चंस तो हम बाद में कर लेंगे ठीक है बिल्कुल सही है ये भी ठीक है ओब्वियसली थ्योरी तो हम पहले ही पढ़ेंगे लास्ट में तो हम पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि उस वक्त तो इतना ही प्रेशर होने लग जाता है कि हमें सब जल्दी जल्दी करना है ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं एंड तक पहुंचते हैं ठीक है Questions हमने यहाँ पे नहीं नहीं किए किए ना ठीक है है एंड तक एंड तक तक पहुंचते हैं लगता सब लोग पढ़ रहे हैं सबका इतना इतना सिलेबस हो गया है मेरा तो पहले रिवाइज ही नहीं हुआ है मैं तो याद ही नहीं हुआ है सिलेबस तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम पी वैक्यू फिर छोड़ देते हैं कि हम वीडियो देख लेते हैं वीडियो से भी तो हमें पता चल ही रहा है फॉर्मूला तो हमें आता है हो जाएगा नहीं जब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे आपकी अप्रोच नहीं बनेगी आप एग्जाम में जाओगे आपको उस क्वेश्चन का फॉर्मूला आता होगा आप लोगों को पता होगा कि हाँ यही फॉर्मूला यूज करना है ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा था लेकिन हम उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे ठीक है और उस वक्त हमें रियलाइज होगा और हम वैसे कहेंगे अगली बार अच्छे से देंगे अगली बार हम प्रैक्टिस करके देंगे तो जब हमें पता है हमें बाद में टाइम इन्वेस्ट करना है तो हम पहले ही टाइम इन्वेस्ट करते हैं और साथ साथ क्या करते हैं अपने क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी और मॉक्स वगैरह मॉक्स वगैरह की भी हम प्रैक्टिस करते हैं ठीक है उसके बाद क्या करते हैं हम लोग टाइम तो कम होता है अगर हमें फोर टू फाइव मंथ्स या सिक्स मंथ्स में प्रिपेयर करना है तो हम दो डिफिकल्ट टॉपिक्स एक साथ लेके चलते हैं हम डिसाइड कर लेते हैं कि शाम को पांच से सात तो हम क्वांटम पढ़ेंगे ठीक है और फिर हम नौ से ग्यारह बजे तक एक मेन ग्रुप पढ़ेंगे ठीक है और मूविंग फॉरवर्ड सिक्स हमारा क्या है हम दो डिफिकल्ट टॉपिक्स को साथ में प्रय करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है जैसे दो डिफिकल्ट टॉपिक्स कोई भी ले लो ठीक है एक टाइम डे है हम क्या बोलते हैं कि हम पांच से सात बजे तक क्वांटम करते हैं ठीक है और हम क्या करेंगे साथ में नौ से ग्यारह बजे तक हम डेली कोऑर्डिनेशन करेंगे ठीक है ना इससे हमें क्या लगता है कि ठीक है एक साथ में पंद्रह दिन या बीस दिन में हमारे एक टॉपिक की बजाय क्या होगा दो टॉपिक रिवाइज हो दो टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे बट ये बहुत बड़ी गलत स्ट्रेटेजी है एक तरीके से मैं ये कहूंगी क्योंकि तो हम ना पूरा अपना एफिशिएंसी इसमें शो कर पाएंगे ठीक है ना हम पूरी एफिशिएंसी अपनी क्वांटम में शो कर पाएंगे और ना ही हम अपने कोऑर्डिनेशन में शो कर पाएंगे ठीक है क्वांटम कौ, के टाइम हमें कोऑर्डिनेशन की चीजें याद आएंगी कि क्या हमें वो चीज याद है जो हमने रात को पढ़ी थी और कोऑर्डिनेशन के टाइम हम करेंगे शाम को मैंने क्वांटम पढ़ी थी क्या मुझे वो याद है या नहीं है तो बेटर होगा पंद्रह या बीस दिन साथ साथ इन्वेस्ट करने से बेटर होगा एक वीक अच्छे से लग के सिर्फ क्वांटम को दीजिए ठीक है ना पूरे टाइम आप क्वांटम को देंगे तो ये बेटर प्रिपरेशन होगी एक वीक में इसे करिए और साथ में उसके बाद में एक वीक में इसे करिए ठीक है तो अकॉर्डिंग टू मी दो डिफिकल्ट टॉपिक्स को एक साथ तो प्रिपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसके बाद चलते हैं नोट मेकिंग नोट्स। क्या होता है आजकल हम नोट्स से ही पढ़ते हैं हमें वही ना हमें एक ही बहुत सारे सोर्सेज का मटेरियल हमें एक ही चीज में मिल जाता है तो हम क्या करते हैं नोट्स तो हमारे पास है ही ठीक है हम इन्हें जब अगर हमने कर लिया तो उसके बाद रिवीजन करनी होगी तो हम इनमें से ही कर लेंगे फिर से पर आप लोग सोच रहे हो ना अगर क्वांटम के नोट्स देखें तो अराउंड 100 से 150 पेजेस तक तो बन जाते हैं अगर अच्छे नोट्स हम विद क्वेश्चंस वगैरह के साथ देखें तो अगर आपको लगता है क्या अगर 20 दिन में मैंने खत्म करा है या 15 दिन में मैंने टॉपिक अच्छे से कवर करा है विद क्वेश्चंस के साथ सोल्व करके तो अगर हम इसे दोबारा रिवाइज करें तो वैसे हमें टाइम तो उतना ही लगने वाला है ये सिर्फ हम सोचते हैं कि कर करें तो हाफ टाइम में हो जाएगा पर नहीं हमें टाइम उतना ही लगता है क्योंकि जब हम रिवाइज करते हैं तो लगता है हम तो भूल गए ये चीज भी पता नहीं कैसे करी थी उस वक्त तो बेटर होगा इसके आप एक टॉपिक प्रिपेयर करने के बाद उसके कंसाइज नोट्स बना लीजिए ठीक है ना कंसाइज नोट्स बनाने हैं वो भी सेल्फ सेल्फ प्रिपेयर खुद से बनाने हैं वो नोट्स आपको ठीक है अगर आपने का एक चैप्टर सौ से डेढ़ सौ पेजेस के बीच का है तो उसके कंसाइज नोट्स आपको अप्रोक्स फिफ्टीन टू ट्वेंटी पेजेस में बनाने हैं ठीक है ना इतने कंसाइज होने चाहिए सिर्फ काम काम की बातें पता होनी चाहिए आपको क्योंकि प्रिपरेशन करते वक्त आपने अपने फंडामेंटल्स अच्छे से स्ट्रोंग किए हैं उसके बाद क्या है कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको बुक्स रेफर करनी पड़ती है जहां पर नोट्स में भी अब हम कितना मटेरियल लिख लेंगे ओबियसली बुक्स तो बुक्स होती हैं ठीक है तो उन कुछ टॉपिक्स के लिए आपको बुक्स रेफर करनी ही पड़ती है जैसे अगर हम बात करें क्लेडन की कैरोथर्स की ठीक है और स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अगर हम देखें तो बेनवेल की ठीक है आप अब फिर एग्जाम होने के बाद जब एनालिसिस करते हैं हर कोई तो फिर कहते हैं ये क्वेश्चन तो इस बुक से डायरेक्ट आया था ये क्वेश्चन तो इस बुक से डायरेक्ट आया था और ऑर्गेनिक में अगर आप देखें तो क्लेडन और ओकेरोथर्स से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ठीक है ना तो क्योंकि इनमें वो टॉपिक्स बहुत अच्छे से कराए गए हैं ठीक है जैसे अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखें रीअरेंजमेंट अरेंजमेंट रिएक्शन देखें तो वो चीजें क्लियर में बहुत अच्छे से बताई गई है ठीक है पेरिसाइक्लिक देखें अगर हम वो ऑर्गेनोमेटेलिक की नेम रिएक्शन जैसे हैक रिएक्शन सूरू की कपलिंग होती है तो वो सब इनमें बहुत अच्छे से बताई गई है तो कुछ टॉपिक्स के लिए मैं ये नहीं कहूंगी हर टॉपिक के लिए करो अगर आपके पास प्रॉपर बहुत ज्यादा टाइम है तो ऑब्वियसली बुक से पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो आई सजेस्ट कि कुछ टॉपिक्स आप बुक से कवर करो जो इंपॉर्टेंट है ठीक है और मोलिकुलर बेनवेल को बहुत ज्यादा रिकमेंड करी जाती है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं इवन वो वैल्यूज भी चेंज नहीं करते हैं ठीक है थीके? उसके बाद ये मैं आपको वैसे ही बता चुकी हूँ कि हमें कंसाइज नोट्स बनाने हैं वो भी खुद से हर टॉपिक हमने प्रिपेयर कर लिया उसके बाद हम कंसाइज नोट्स बनाएंगे ठीक है ना क्योंकि हम हर बार वही नोट्स नहीं खोल सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा तो बेटर है जब भी आपको टाइम टू टाइम रिविजन करना है आप अपने कंसाइज नोट्स से पढ़िए ठीक है ना जब कुछ नहीं समझ आ रहा है तो अपने पुराने वाले जो अच्छे से पूरा मॉड्यूल है आपका या जो भी है उससे पढ़िए उसके बाद सबसे बड़ा मिथ ये है कि हमें लगता है जो फर्स्ट रैंक ला रहा है या जिसका जे आर एफ क्वालिफाई कर रहा है वो तो पूरे घंटे पढ़ रहा होगा बिल्कुल घूमने वूमने बिल्कुल नहीं जा रहा होगा बट ये बहुत गलत है हमारे माइंड की भी एक कैपेसिटी है वो उतना ही अपने माइंड हम उतना ही परसीव कर सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी है ठीक है तो ऐसा नहीं है अगर हम डेली दस घंटे ही हमें पढ़ना है तो ही हमारा सी एस आई आर क्वालिफाई होगा नहीं मैंने नहीं किया ऐसे मैं बस कंसिस्टेंट थी अपने काम के लिए कि मैं दिन के एक दो घंटा तीन घंटा दो घंटा ऐसे पढ़ी हूँ ठीक है ना क्योंकि प्रेशर भी नहीं होगा तो इफेक्टिव प्रिपरेशन वही होती है इफेक्टिव प्रिपरेशन हमारी वही होती है जिसमें आपको कोई भी प्रेशर और बर्डन फील ना हो ठीक है ना आप अपने काम रिलैक्स माइंड से उसको प्रिपेयर करें और कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है तो टाइम टू टाइम हमें पूरे दिन में योगा या मेडिटेशन जिसका जो भी प्रोसेस है अपने आप को काम करने का वो करना चाहिए बाहर थोड़ा टहलना चाहिए ठीक है तो हमें बर्डन लेके प्रिपेयर नहीं करना है हमें नॉर्मल माइंड से प्रिपेयर करना है उसके बाद जैसे अभी जून का तो एग्जाम आप सब लोगों का हो गया है में अब हमारा अपकमिंग एग्जाम क्या है हमारा दिसंबर का है ठीक है तो उसके लिए बेसिक स्ट्रेटेजी मैं क्या कहूंगी कि आप अपने प्रिपरेशन तो कर ही रहे टॉपिक्स की उसके साथ साथ क्या करना है आपको रिविजन करना है टाइम टू टाइम कैसे करोगे अपने कंसाइज नोट्स बनाओ ठीक है वीक में या टेन डेज में उस टॉपिक को रिवाइज करते जाओ ठीक है जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे आपके कंसेप्ट उतने ही ज्यादा क्लियर होंगे उसके बाद मैंने क्या कहा था कि आप लोगों को पीवाई भी करने हैं क्योंकि ठीक है ना सी एस कितने क्वेश्चन बनाएगा वही क्वेश्चन एड करेगा या घुमा फिरा के करेगा तो आपको अप्रोच पता चलती है कि कैसे सोल्व करना है उसके बाद ये चीज तो भाई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है ना मुझे भी थोड़ी लेट समझ आई पर समझ आ गई और मतलब आप लोगों को भी थोड़ा मतलब होगा ना कि मुझे पहले से ही पता चल गया तो ठीक है एक ट्रिक मिल गई मुझे अब देखो अगर हम डेली पचास क्वेश्चन सोल्व करें तो हम सिक्स मंथ्स में कितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं ठीक है कितने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम उस सी एस आई आर में कितने सोल्व करके आने सेवेंटी फाइव ठीक है ना तो सोच रहे हो ना कितनी पॉसिबिलिटीज है अगर हमने उतने क्वेश्चंस में से हमारे कितने पचास क्वेश्चन भी आ गए चलो चालीस क्वेश्चन भी आ गए तो भी हमारे कितने मार्क्स बन गए ठीक है ना ये तो फ्री के मार्क्स हो गए और बाकी जो तुमने प्रिपेयर किया है वो अलग से है तो आई वुड सजेस्ट कि आप डेली एक नंबर तो सेट कर लीजिए चलो शुरू में पचास नहीं होते हैं ठीक है ना क्योंकि हमें हैबिट भी अपने आप को अडेप्ट करने में टाइम लगता है तो आप दस से स्टार्ट कीजिए ठीक है डेली दस करें दस क्वेश्चन सोल्व करने में कितना टाइम लग जाएगा चलो मैक्सिमम हाफ एन आवर अगर आप नए हैं तो चलो चालीस मिनट पचास मिनट अपनी डेली डेली स्पीड बढ़ाइए ठीक है ना तो अगर आप महीने में अगर एक दिन में दस क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो अभी आप मंथ में टोटल कितने कर रहे हैं थ्री हंड्रेड क्वेश्चन ठीक है तो थ्री हंड्रेड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आपको पांच छह अप्रोचेस नहीं तो पता चली ही होंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे भी सोल्व हो सकते हैं ठीक है ना और जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है आपको पता है आप बाद में भूल जाएंगे उसे एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और टाइम टू टाइम उनका रिविजन भी करिए ठीक है ना उसके बाद हमें मॉक टेस्ट देने हैं ऑब्वियसली अभी बताया था ना सी एस ए आर में सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं होती है हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे हो रहा है प्रेशर क्या फील कर रहे हैं हम उसमें अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो सब चीजें चेक होती हैं तो आप जब भी हमारा टाइम होता है एग्जाम का जैसे मोस्टली हमारा क्या होता है सुबह नौ से बारह होता है या शाम को दो से पांच होता है ठीक है ना तो इन्ही टाइम पर आप अपना मोक दीजिए ठीक है और वही सिस्टम जैसे हमारा फोन में मत दीजिए जैसे हम सिस्टम में वहां पर एग्जाम देकर आते हैं तो वैसे ही सिस्टम में दीजिए माउस यूज करके दीजिए कीबोर्ड यूज करके दीजिए तो अपने घर पे वैसा ही इन्वायरमेंट सेट करें जैसा हमें प्रोवाइड करता है ठीक है और उसके बाद एक चीज लास्ट में किसी की देख मतलब किसी बच्चे ने वो टॉपिक कर लिया लेकिन मैंने नहीं करा उसके ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे मेरे नहीं आएंगे ऐसा कुछ नहीं है लेकिन लास्ट मोमेंट पे अपना नया टॉपिक कोई भी स्टार्ट मत करो जो भी आपने पुराना किया है उसे ही रिवाइज करो ठीक है और अच्छे से प्रिपेयर करो उसके बाद रिवीजन हम कैसे अच्छे से कर सकते हैं और इफेक्टिवली कर सकते हैं वो क्या है हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं ठीक है ना जैसे अगर हम नेम रिएक्शन देख लें नेम रिएक्शन में देख लेंगे कि कार्बो के नाम से हमारी कौन कौन सी नेम रिएक्शन है ठीक है ना वो नोट डाउन कर ली हमने सारी उसके बाद हम चेक कर लेंगे कार्बोनाइंस के नाम से कौन कौन सी रिएक्शंस हैं वो नोट कर ली हमने सारी ठीक है उसके बाद हम चेक कर लेंगे नाइट्रेन की कौन कौन सी नेम रिएशन है वो सारे लिख लें ठीक है तो फ्लो चार्ट्स बना लो ठीक है और डायग्राम्स भी करने हैं तो इनके साथ में एक बेसिक रिएक्शन बना लो ठीक है ना जनरल रिएक्शन बना लो और बार बार देखोगे तो ठीक है पहली बार नहीं आएगा दूसरी बार नहीं आएगा लेकिन बार बार आप देखोगे तो तीसरी बार तो आपको चीज समझ आएगी वो ठीक है ना तो ये शॉर्ट शॉर्ट चीजें हैं जो अगर हम डेली अपने शेड्यूल में इनकोपरेट करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिवली हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं हम टेबल्स प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक है ना जैसे हमें यूनिट्स में कन्वर्जन में दिक्कत होती है तो टेबल प्रिपेयर कर लो अपनी कि एक लीटर इतने मीटर के बराबर होगा या एक मीटर क्यूब हमारे थाउजेंड लीटर के जो भी है मतलब ये तो मैं बेसिक ही बता रही हूँ बट आप अपने उस हिसाब से बना सकते हैं फिजिकल में आप अपने फॉर्मुला शीट्स क्रिएट करिए कि सिर्फ फॉर्मूला हो गए ठीक है तो प्रिपेयर पूरा टॉपिक प्रिपेयर करने में हमें कितना टाइम लगता है लेकिन अगर हम कंसाइज कर लेंगे उस चीज को समराइज कर लेंगे तो हमें कितना कम टाइम लगेगा वो कितने ज्यादा टाइम में हम कितने टॉपिक्स कवर कर सकते हैं ऑफ कवरिंग वन टॉपिक ठीक है डेली रिवीजन करनी है भाई ठीक है ना अगर हम डेली अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं वो तो हमारी चलेगी लेकिन साइड बाय साइड तुम ऐसे ऐसे टॉपिक्स उठाते जाओ जो हम कर चुके हैं पहले प्रिपेयर या छोटे हैं उनका रिवाइज करते जाओ ठीक है ना तो एक टाइम पे हम एक चीज लेके एक टाइम पे हम प्रिपेयर तो एक ही टॉपिक करेंगे लेकिन उसके साथ रिवीजन तो कर सकते ना हम किसी टॉपिक की और रिवीजन क्या होता है लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है ठीक है और वही शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करने है और खुद से प्रिपेयर करने है ठीक है ओके ये था मेरा आज का सेशन आई होप आप सब लोगों को ये जो मिस्टेक्स मैंने बताई हैं आपको समझ आई होंगी एंड आई होप आप लोग भी ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे और अच्छे से अपना सी एस आई नेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे सो मिलते हैं सेशन में, in which I will discuss, अगर कोई स्टूडेंट लास्ट मिनट करना चाहता है, उसके पास मंथ्स तो भी वो आराम से क्वालिफाई कर सकता है एग्जाम और तो उसके लिए उसे क्या स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करनी चाहिए ठीक है ओके विल सी यू इन ऑन कनेक्टेड ऑन बाइजूज एग्जाम प्रेप ये है बाई की फैकल्टीज लिखांशु सिंह मैम एंड सीमा चावला मैम

she she did her PhD in groundwater analysis and she is B. NET, SEL, NET and is net net qualified have a 16 years of स ठीक है और इन्होंने पीजे एग्जाम के students को मेंटर किया है और उनकी जर्नी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ओके फॉर एनी टाइप ऑफ क्यूरीज आपको ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करना है सिक्स मंथ्स का या ट्वेल्व मंथ्स का आपको स्पेशल क्लासेस चाहिए तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर योर विल बी ऑन टाइम ठीक है इन ऐसे अमेजिंग सेशन के लिए नई नई इन जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब बाइजूज एग्जाम्पल एप सी एस आई आर नेट चैनल एंड प्लीज डोंट फॉर गेट टू लाइक एंड लाइक एंड शेयर दिस सेशन ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन प्लीज हिट द बेल आइकन ठीक है और आप बायजूज एग्जाम प्रेप का ऐप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर जहां पर आपको वीडियोस अवेलेबल होंगी फ्री क्विजिज मॉक्स अवेलेबल होंगे और आज के सेशन में मैंने आपको बताया ये, हमें है हमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं तो आपके लिए क्या होंगे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे वहां पर आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा सो so, आप अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए बायजूज एग्जाम्प्रैप ओके थैंक यू